अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है जो लैब्स हैं वो तकरीबन 14 और अप्रैल की लैब्स हैं, इसको हमें स्टडी करना है आज की डेट के अंदर। तो पहले मैं लैब समझा देता हूँ इसमें है क्या, उसके बाद जो है हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या हम बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली जो है वो चीज़ वो ये कि आपने एक जो है वेलकम टू ईवीयू एक स्ट्रिंग है आपके पास, हमने एक्स को रिमूव कर दिया, वेरिएबल का नाम है, 1 2 3 4 नंबर से एक्स रिमूव कर दिया, y1 इज इक्वल टू वेलकम टू ईडीयू, फिर आपने y1 रिमूव कर दिया और y2 के अंदर भी 1 2 3 4, यानी कि दो स्ट्रिंग्स हैं और दो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर हमने उसे सेव कर दिया। अब हम ये चाह ही रहे हैं कि दोनों को कंपेयर करें, तो x1 इज y1, तो क्या x1 और y1 दोनों बराबर हैं, दोनों सेम हैं, दोनों सिमिलर हैं? सही आपको बताना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन मार्क नहीं है। उसके बाद क्या है, x1 इज नॉट y1, x1 जो है वो y1 के बराबर नहीं है, वो आपको बताना है। x1 इज नॉट y2, उसमें बताना है कि x1 जो है वो y2 के इक्विवेलेंट नहीं है, ये अलहदा है और ये अलहदा है, और x1 इज x2, तो x1 जो है x1 इज x2, x1 जो है वो x2 दोनों बराबर है हमारे पास। आप दोनों कंपेयर करना, रिजल्ट बताना है, चेक करके ठीक है। तो आपने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो पहला वाला क्या है, x1 इज y1, ये ट्रू नहीं है बल्कि ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें x यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। उसके बाद x इज y, x1 इज इक्वल टू x2 बराबर नहीं है हमारे पास, x1 इज नॉट y2, तो ये भी ट्रू है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँ तो जो वैल्यूज होंगी दोनों की सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अगर हम सिर्फ किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ये टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर लिख रहे हैं, वो तक आगे जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या एग्जांपल कोड है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। अगर वेरिएबल के अंदर आपने -1 डाल दिया है, यहाँ पे आप देखें, अगर वेरिएबल के अंदर आपने -1 डाल दिया है और वेरिएबल जो है 0 से छोटा है, तो प्रिंट वेरिएबल वेरिएबल आएगा -1 और प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नेगेटिव, और ये दो स्टेटमेंट आपके पास आ रही होंगी। हमने यहाँ क्या किया, हमने सिर्फ छोटा सा कंपैरिजन हमने किया है, इसको हमने कॉपी किया, हमने कॉपी कर लेने के बाद हम यहाँ पर गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको ए कर दिया, कंट्रोल बी कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पर आज भी जरूर दीजिएगा, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर वरना आ रहा होता है। हमने क्या इसको कॉपी कर लेने के बाद हम गए यहाँ पर और ठीक है कंट्रोल किया, कंट्रोल भी किया। अब यहाँ पर क्या है कि लाइन एज हेडर स्टेटमेंट, इफ देयर इज ओनली सिंगल क्लॉज देन इट विल गो टू द सेम लाइन एज हेडर स्टेटमेंट। अब क्या है हमारे पास, इफ वेरिएबल कंपेयर कर रहा है कि -1 है, print the value variable is negative, if variable is equal to 1, वो आपके पास कह रहा है अगर 0 बड़ा है 1 छोटा है तो ये कहेगा the value of variable is negative, अगर हमारे पास 0 बड़ा है 1 छोटा है, 0 बड़ा है वेरिएबल छोटा है, -1 -2 -3 कुछ भी होगा यहाँ पर -1 -2 -3, तो ये वैल्यू हमारा ट्रू हो जाएगी और वेरिएबल ये डिक्लेयर कर देगा वैल्यू वेरिएबल इज पॉजिटिव। एल्स के अंदर क्या है कि अगर वैल्यू फॉल्स हो जाते हैं कि वैल्यू जो है यहाँ पर 1 से बड़ी से बड़ी है तो सेकंड स्टेटमेंट रन करेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि वेरिएबल हमारे पास 1 है हमारे पास, और जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है वो क्या रिटर्न कर रही है, इसको रन करके देखते हैं।
पास क्या कह रहा है, मोस्ट रिसेंट कॉल प्रोग्राम लाइन नंबर टू। तो लाइन नंबर टू ठीक है, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो आपके पास जो है, हम ये लेते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू नेगेटिव वन प्रिंट ये, और वेरिएबल इज इक्वल टू वन आपने इसमें बताया हुआ तो है इसके अंदर। तो यहाँ पे तो आपने वेरिएबल यहाँ पे बताया हुआ, तो वेरिएबल इक्वल वन डिक्लेयर आपने किया था पहले और वैल्यू बता दी नेगेटिव वन। क्या वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नेगेटिव वन, इफ वेरिएबल इज इक्वल टू नेगेटिव वन, ये वेरिएबल ने बता दिया है प्रिंट द वैल्यू इज नेगेटिव, ये आपको शो करेगा। अगर वेरिएबल हमारे पास वन है, अब वैल्यू यहाँ पे कंडीशन चेंज है हमारे पास, तो ये प्रिंट करेगा आपके पास जीरो बड़ा है वन, जाएगा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव, वेरिएबल का नाम आ जाएगा जो कि वन होगा हमारे पास। मैं दोबारा से बताता हूँ, वेरिएबल क्या है, नेगेटिव वन है, नेगेटिव वन आपने यहाँ पे देखा तो यह टू हो गया क्योंकि नेगेटिव वन छोटा था, जीरो बड़ा था, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नहीं नेगेटिव। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एक वेरिएबल कंपेयर कर रहा है नेगेटिव वन के साथ, कि अगर ऊपर भी नेगेटिव वन है नीचे भी नेगेटिव वन है तो प्रिंट नेगेटिव वैल्यू कर रहा है। अगर आपने क्या किया, अब वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव वन नहीं है, अब वन है, वह क्या वन या छोटा है जीरो से, तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, और हम इसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। ओके, तो अगर वेरिएबल वन है हमारे पास, तो वन जो है वो जीरो से छोटा नहीं है, तो ये एस में जाएगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव और प्रिंट वेरिएबल। अगर मैं लेट से यहाँ पर कर देता हूँ नेगेटिव वन या नेगेटिव थ्री कर देता हूँ, अब क्या होगा, छोटा हो जाएगा तो फर्स्ट कंडीशन टू हो जाएगी और नेगेटिव में ही रिजल्ट देगा आपको। अगर मैं लेट से यहाँ पे नेगेटिव थ्री नहीं करता बल्कि जीरो कर देता हूँ, तो जीरो कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि ये जाहिर सी बात है जीरो जीरो से छोटा होगा ही नहीं, तो इन एस पर चला जाएगा, एल्स पर जाएगा ये, तो जीरो इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे टेक्निकली जो है इसमें एरर है, ये गलती है, क्यों, क्योंकि जीरो जीरो से छोटा नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जा रहे हैं, ओके बेटा, अब हमने क्या किया कि हम गए यहाँ पर, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया, आपको फर्स्ट एग्जांपल, अच्छा इसमें क्या हो रहा है मैं पहले प्रोग्राम बता दूँ आपको, कि अगर स्कोर 95 है हमारे पास, ये फेल स्टेटमेंट है, स्कोर जो है वहाँ पर 99 से बड़ा है तो ये प्रिंट ए जाए, एक बराबर है 99 के या बड़ा है वो क्या है, वो ए जाए, else if स्कोर जो है वो बड़ा है 75 से तो बी जाए, और स्कोर जो है आपके बड़ा है 60 से तो सी जाए, अगर स्कोर जो है वो बड़ा है 35 से, 35 नहीं होगा ये, चलें इसको समझ लेते हैं 35 है, मगर ये इसको 35 नहीं होगा ये, इट वुड बी 50, तो ये क्या करे प्रिंट डी कर दे, अच्छा एल्स एफ प्रिंट कर दे, फॉर एग्जांपल
अच्छा इसमें क्या है, नंबर टू प्रिंट आपके पास फॉर एग्जांपल फॉर आइटम 1 2 3 4, आइटम जो है वो इनमें से हो, 1 2 3 4 में से हो, प्रिंट आइटम कॉमा आइटम, ये आपके पास प्रिंट होगा और यहाँ पे आइटम का नाम आएगा। ओके आपके पास क्या है फॉर आइटम इन, अब पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आइटम और ये वैल्यूज आपके पास रिटर्न हो रही है। प्रिंट सेकंड एग्जांपल लेटर्स ए बी सी, ये आपके पास सिंगल कोट में इस वजह से कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रही है, तो ये लिस्ट के अंदर है हमारे पास, और लिस्ट के अंदर जब आप इसको लिख रहे होते हैं तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रही है। तो फॉर लेटर इन तो प्रिंट फर्स्ट लूप लेटर, ये लेटर ए बी सी इस तरह से आ रहा होगा। थर्ड एग्जाम्पल इटरेटिंग बाय सिक्वेंसिंग इंडेक्सिंग, सिक्वेंसी इंडेक्सिंग, तो प्रिंट थर्ड एग्जाम्पल फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ लेटर, तो इंडेक्स इन रेंज लेंथ लेटर यानी कि लेटर्स के अंदर आप काउंट करेगा ये कितने लेटर्स मौजूद हैं, और इंडेक्स कर लेने के बाद तो आपको ये नंबर बता देगा नंबर में इतने लेटर्स मौजूद हैं। अच्छा उसके बाद क्या, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग एल्स स्टेटमेंट प्रिंट फोर्थ एग्जाम्पल फॉर आइटम 1 2 3 4, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिस्ट है हमारे पास प्रिंट आइटम, तो ये क्या कर रहा है आपके पास 1 2 3 4 5, तो आइटम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और आइटम 1 2 3 4 5 लूप चलाएगा, एल्स लूपिंग ओवर आइटम कंप्लीट, जब भी आपके पास 5 तक पहुंच जाएगा और जब भी नेक्स्ट में जाने की कोशिश करेगा तो लूपिंग आइटम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है हमारे पास कि आपका पास स्कोर जो है हमारे पास, इफ स्कोर ग्रेटर देन 99 तो क्या है, अगर स्कोर 95 है तो 95 के माने ये हुए कि आपके पास ये बी में जाएगा क्योंकि 75 से ज्यादा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 5, ये आपके पास क्या चल रहा है हमारे पास, इसने ये कंडीशन चेक की और कंडीशन चेक करने पर सेकंड एग्जांपल पे आ गया और सेकंड पे एग्जांपल पास फॉर लूप चलाया फॉर आइटम इन, तो 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया 5 आया, 5 के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल चला फर्स्ट लूप लेटर आपके पास है ए आई बी आई सी आई डी आई, सारे फर्स्ट लूप लेटर्स आए हमारे पास ए बी सी के हिसाब से, और ये अगर ए प्रिंट किया उसने फिर फर्स्ट, फिर आपके पास फर्स्ट लूप लेटर, अच्छा लगता है इसमें क्या होगा फर्स्ट लूप लेटर दोबारा आ रहा है, फर्स्ट लूप लेटर दोबारा आ रहा है, तो ये आपको चलना चाहिए इसके हिसाब से। बात क्या है आपके पास थर्ड एग्जांपल में आपके पास क्या है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। अच्छा फॉर थर्ड एग्जांपल फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ लेटर्स, सही है, तो आपका लेंथ लेटर्स है वो आपको थर्ड एग्जांपल के अंदर बताएगा, फर्स्ट रेंज लेंथ लेटर्स ये आपके पास चल रहा है, फर्स्ट टू लेटर्स लेटर इंडेक्स फर्स्ट लूप लेटर है और फिर सेकंड लूप लेटर है तो लेटर्स क्या है ए बी सी हमारा मौजूद है यहाँ पे ए बी सी आपको लगा हुआ दिखा रहा है ए बी ए सी आपको दिखा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास यहाँ गलती कर रही थी फर्स्ट आ रहा था आपको दिखा रहा है इंडेक्स कर रहा है इंडेक्स करने के बाद ये आपके पास पास सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से आपके वैल्यूज आपको दिखा रहा है यानी आपको बता रहा है ये फर्स्ट लूप लेटर है। दोबारा से बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि आपके पास क्या है सिक्वेंसिंग इंडेक्स के माने प्रिंट थर्ड एग्जांपल फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ लेटर्स, लेटर्स कितने हैं पास 3 लेटर्स हैं, प्रिंट फर्स्ट लूप लेटर लेटर इंडेक्स, इंडेक्स में पहली वैल्यू आ गई 0 फिर आएगी 1 फिर आएगी 2, सही है, आपके पास ही बाहर निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल आइटम इन 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या आ रहा है आइटम आपके पास आ रहा है आइटम का नाम, तो पहले आएगा 0 में आएगा 1, ये हमारे पास अगेन जो है हमारे पास लिस्ट है 0 में 0 लोकेशन पे है 1, फर्स्ट लोकेशन पे है 2, सेकेंड लोकेशन पे है 3, थर्ड लोकेशन पे है 4 और फोर्थ लोकेशन पे फिफ्थ, आपको वैल्यूज आ रही है आपके पास प्रिंट कर रहा है, ये देख लीजिए आइटम 1 2 3 4, और यहाँ पे लूप जो है एल्स में आके कंप्लीट हो रहा है और ये आपके पास एग्जाम्पल इधर कंप्लीट हो गई।
अच्छा, व्हाइल लूप स्टेटमेंट, व्हाइल ही चेक कर रहा होता है कि एटलीस्ट वो ट्रू है या नहीं है। अगर वो ट्रू है हमारे पास तो हम क्या करेंगे इसमें, तो जैसे हम इसको चेक करेंगे कि ट्रू है या फिर नहीं है, तो अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो उसको बाहर निकाल देगा, फॉल्स कर देगा। तो आपके पास क्या है, काउंट जीरो है, काउंट जो है छोटा है, प्रिंट द काउंट इज काउंट प्लस वन, काउंट जीरो, काउंट इज लेस देन थ्री, प्रिंट काउंट इज लेस देन थ्री, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, एल्स प्रिंट काउंट इज नॉट लेस देन थ्री। या फिर वाइल पे चेक किए कि आपके पास पहला काउंट जीरो छोटा है, हाँ छोटा है, द काउंट इज आपको जीरो आएगा और काउंट प्लस वन यानी वैल्यू वन हो जाएगी, सही है। आप काउंट इज इक्वल टू जीरो, वाइल काउंट इज लेस देन थ्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कंडीशन को आपको रन करके देखते हैं, समझाता हूँ कैसे हम काम कर रहे हैं मोबाइल में। क्या देखिए आपके पास सारी वैल्यूज है तो जीरो को रिटर्न कर रहा है, क्यों रिटर्न कर रहा है कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो खत्म ही नहीं हो पा रही। अगर मैं इसको जो है क्या करूँ, इसको रिमार्क्स बना दूँ, अब जो है वो आपके पास हर दफा वैल्यू, क्योंकि जब वो चेक कर रहा है आपको जीरो मिल रही, जब वो चेक कर रहा है आपको वैल्यू जीरो मिल रही, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से वैल्यू रिटर्न हो रही। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, हाँ, तो पहले काउंट इज इक्वल टू जीरो, आपके पास व्हाइल काउंट इज लेस देन थ्री, प्रिंट द काउंट इज, काउंट की वैल्यू आपके पास जीरो आ गई, इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास वन हो गई वैल्यू काउंट की, दोबारा से लूप में गया, ये वन छोटा है थ्री से, हाँ छोटा है थ्री से, द काउंट इज, अब काउंट की वैल्यू हो गई वन प्लस वन यानी टू हो गई हमारे पास, दोबारा गया, दोबारा जाने के बाद उसकी वैल्यू हो गई थ्री, या थ्री थ्री से छोटा है, नो थ्री थ्री से छोटा नहीं है, सही है, तो थ्री या थ्री छोटा नहीं है, तो आपके पास काउंट थ्री इज लेस देन थ्री, काउंट प्लस वन एज दैट इज नॉट, काउंट इज नॉट लेस देन थ्री। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, जैसे ही यहाँ पर थ्री वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे ये भी इसने चेक किया कि आपको डबल वाइल लगे हुए, अब जैसे ही थ्री की वैल्यू जो है थ्री थ्री छोटा है फॉल्स है, ये अगले लूप पे गया, इसने भी देखा क्या थ्री थ्री छोटा है, उसको भी कंडीशन फॉल्स मिली, इसने डायरेक्ट एक स्टेटमेंट रन कर दी, इसने लिखा थ्री इज नॉट लेस देन थ्री। तो पहली बात ये कि थ्री लेस देन थ्री इसके अंदर ट्रू नहीं हो पा रहा था, इसने इस लूप को निकाल के नेक्स्ट पे चला गया, क्या थ्री जो है वो थ्री से छोटा है, फॉल्स, यहाँ पर ही फॉल्स हो रहा है, यहाँ पर ही फॉल्स हो रहा है, यहाँ पर ही फॉल्स हो रहा है थ्री के केस के अंदर, और क्या कर रहा है आपके पास थ्री इज नॉट लेस देन थ्री, और डेफिनेटली यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो रही है, और ये प्रिंट कर रहा है थ्री इज नॉट लेस देन थ्री, और कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं, डबल व्हाइल लूप है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें क्या है कि लिस्ट बनाना है आपका स्टैट्स की, प्रोग्रामिंग की, 2016, 2017, 2018 लिखा हुआ दिखाई दे, आपके पास लिस्ट अंडरस्कोर वन जीरो लिखा हुआ दिखाई दे, वन अंडरस्कोर जीरो स्टैटिस्टिक्स यहां पे प्रिंट हो जाए, वन से लेकर फाइव तक चले रही है हमारे पास, और लिस्ट टू वन से लेकर फाइव तक रिजल्ट का दिखा दे, तो ये वन से चलेगा वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, इसको रन कर देते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए वही रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स आपको शो कर रहा है, क्यों स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा है कि जीरो लोकेशन पे हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स बढ़ा हुआ है लिस्ट वन में, लिस्ट टू के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास पांच वैल्यूज आ रही हैं, जो आपके पास कंपेयर कर रहा है कि जीरो वैल्यू, वन वैल्यू, टू वैल्यू, थ्री वैल्यू, फोर वैल्यू, सही है, तो आगे भाई फोर तक आपके पास जा रहा है, तो ये टोटल कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच, तो आपके पास ये शुरू करे वन से शुरू करे, ओके ये शुरू कर रहा है वन से, ये जीरो है, ये वन है, तो वन टू सॉरी वन टू थ्री फोर, सही, ये फोर तक आ रहा है, फाइव फाइव से छोटा होगा ही नहीं, तो इसको बाहर ही निकाल देगा आपके पास, यहाँ पे इसको एंड कर देगा ये, ठीक है।
इसके बाद जो है वो स्टेटमेंट जो नेक्स्ट है एडिंग न्यू वैल्यूज टू द लिस्ट, या लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज को ऐड कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या है, लिस्ट अंडरस्कोर वन प्रिंट एड न्यू वैल्यू, तो लिस्ट वन अपेंड करते हैं, अपेंड वाले लास्ट इसको इंसर्ट करेंगे हमारे पास, और 2019 जो है 2018 के बाद जो है वैल्यू आ जाएगा, वो प्रिंट करवाते हैं लिस्ट, अपेंड कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 2018 आपके पास लिखा हुआ है, और 2018 के बाद जो लास्ट में वैल्यू इंसर्ट हुई थी जिसको हम कहते हैं अपेंड, और कुछ भी करना नहीं था, लिस्ट वन डॉट को वन डॉट अपेंड ब्रैकेट 2019 जैसे हम लिखेंगे उसमें ऐड हो जाएगा वो। अच्छा, उसमें क्या होता है, लिस्ट वन है, लिस्ट टू है, अभी भी हमारे पास लिस्ट मौजूद है यहाँ पे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडिंग न्यू वैल्यू टू द लिस्ट। ओके, तो मेरा कॉपी पूरा नहीं किया मैंने, ओके okay, तो इसमें क्या है, ये वैल्यूज ऑफ लिस्ट वन, लिस्ट वन हमारे पास आ रही है, हमारे पास अपडेट ऑफ द लिस्ट इंडेक्स टू वैल्यू लिस्ट वन अंडरस्कोर टू, सही है। तो आपके पास लिस्ट वन अंडरस्कोर टू दिखाई, पहले लिस्ट सिंपल दिखाएगा हमारे पास, और इसके अंदर लिस्ट वन और इसमें सेकंड लोकेशन दिखाएगा, तो आपके पास ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड लोकेशन में आप क्या डाल दें, 2015 डाल दें, ठीक है, और इंडेक्स टू वैल्यू न्यू वैल्यू आप दिखाएगा, और लिस्ट की वैल्यू इस तरह से आएगी, आप देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट वन का स्टैटिस्टिक प्रोग्रामिंग 2016 2017 2018 इंडेक्स टू वैल्यू 2016, सही। तो इंडेक्स टू वैल्यू जो है उसके अंदर सॉरी, इसमें अंदर इन्होंने यहाँ पर गलत लिखा है, इंडेक्स वन वैल्यू यहाँ पे इंडेक्स वन वैल्यू आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे भी इंडेक्स वन वैल्यू आएगा, क्योंकि इसकी वजह से ये स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। इसके अंदर क्या स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग 2016 2017 2018 इंडेक्स वन वैल्यू क्या हमारा 2016, अच्छा उसके बाद ये है 0 1 और ये 2, ये 0 ये 1 ये 2, ठीक है। उसके बाद ये इंडेक्स वन न्यू वैल्यू 2015, तो 2015 तो इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंडेक्स स्टैटिस्टिक प्रोग्रामिंग 2015 2017 उसकी नई वैल्यू आपने अपडेट कर दी, पहले आपके पास आ रहा था 2016, आपने नई वैल्यू डाल दी, वो क्या हुई 2015 आपने डाल दी न्यू वैल्यू, अब न्यू वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, और पुरानी वैल्यू 2016 जो है वो खत्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास सेकंड लोकेशन के अंदर ये देखिए सेकंड लोकेशन है हमारे पास, तो सेकंड लोकेशन 0 1 2, इसका मतलब ये 0 है, ये 1 है, और 2016 2 है, तो इसको हम 2015 से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम किसी भी तरह से लिस्ट के अंदर डेटा नया कैसे ऐड करते हैं, हमने यहाँ उसकी बात बता दी आपको। अच्छा भाई, इसमें क्या है, एग्जाम्पल फॉर एडिंग न्यू वैल्यूज टू द लिस्ट, नई वैल्यूज को कैसे हम ऐड करेंगे, सारा कोड वही है, कोई नई चीज नहीं है, प्रिंट लिस्ट वन वैल्यू लिस्ट वन डिलीट द लिस्ट, तो डिलीट लिस्ट अंडरस्कोर वन थर्ड, तो थर्ड लोकेशन के अंदर जो है वैल्यूज डिलीट कर दें आप, तो आपके पास जो है डिलीट वन आपके पास क्या है लिस्ट अंडरस्कोर वन, यानी कि 1 2 0 1 2 3, सही है, तो डिलीट कर दें, और डिलीटिंग इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट बेस्ट वन, अब ये नई वैल्यूज में डाल दें, तो आपके पास देख लीजिए क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो आपके पास लिस्ट वन में पुरानी वैल्यू क्या थी, थर्ड लोकेशन है 0 1 2 3 2017, तो आफ्टर डिलीटिंग वैल्यू ऑफ 3 फ्रॉम लिस्ट वन स्टैटिस्टिक
2017 यहाँ से खत्म हो गया, तो 2017 आपके पास वो हमने डिलीट कर दिया, तो इस तरह से किसी लिस्ट में चीजें हटा सकते हैं। ठीक है, कहीं नेक्स्ट पे जा रहे हैं। क्रिएटिंग अ टॉपिक, क्रिएटिंग टपल हमारे पास है एम्प्टी टपल, टपल वन कॉमा द सेम आइटम। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, ये एम्प्टी टपल है हमारे पास और टपल पे हम इसको काम कर रहे हैं। इस पर क्रिएट टपल कैसे करते हैं, टपल हमारे पास स्मॉल पैकेट के अंदर आ रहा होता है टपल क्रिएट करने के लिए। इसमें हमने क्या एम्प्टी टपल हमारे पास है, टपल कोई वैल्यू नहीं पड़ेगी। अब वन कॉमा आपके पास जो है वो वैल्यू जा रही है इसके अंदर, जब टपल विद सिंगल आइटम टपल आपके पास जो है ये वैल्यू हमने मूव कर दी, और सैंपल टपल टपल और टपल ए बी सी डी वन टू थ्री डिलीटिंग टपल, तो टपल सैंपल टपल से डिलीट कर देंगे। जब आप डिलीट कर देंगे तो आपको ये मिलेगी नहीं टपल, यानी कि आपने क्रिएट किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद डिलीट कर दिया, तो आपको मेमोरी के अंदर ही मिलेगी ही नहीं। कौन सी लाइन इन मॉड्यूल 12, पहले से करते हैं इसको लगा के, इसके बाद जो है ठीक है हम रन करते हैं। लेकिन क्या जरूरत, ठीक है, तो एम्प्टी टपल बना लिया आपने, टपल विद सिंगल आइटम वन कॉमा आप बता सकते हैं इसके अंदर मौजूद है, तो प्रिंट जो है हमारे पास सिंगल आइटम के अंदर सैंपल आइटम कितने हैं हमारे पास, सैंपल आइटम जो है हमारे पास सैंपल टपल कितने हमारे पास, जो जितने टपल के अंदर वैल्यू है सारे की सारी आप शो कर देगा, तो ये प्रिंट सैंपल टपल टपल आ जाएगा पूरा। टपल क्या है हमारे पास ऑलरेडी ए बी सी डी वन टू थ्री, सही ए बी सी डी वन टू थ्री आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं डिलीट करने का, सही है, तो आपके पास क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और हम ये देखते हैं कि सैंपल टपल के आपके पास ये आ रहा है यहाँ पे, और इसको हम डिलीट करवा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास ये वैल्यू हम इसको चला कर देखते हैं, तो ये आखिर के अंदर जो है ये होगा ये कि आपको एरर दे रहा होगा कि ऐसे कोई टपल मौजूद ही नहीं है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको भी रिमार्क्स बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करूँगा और रन करने के बाद जो है तो डिलीट कर चुका होगा ये, तो प्रिंट सैंपल टपल तो ऐसा टपल मौजूद ही नहीं है आपके पास, फौरन आपको ये एरर देगा मौजूद ही नहीं है क्योंकि आपने सैंपल टपल टपल। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, डिलीट टपल कर दिया आपने, तो नीचे वाली स्टेटमेंट भी आपके पास नहीं है चल रही, इसमें कहेगा डिलीट टपल नॉट। अच्छा सॉरी,
सिंगल आइटम टपल इंडेंटेशन अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, चलें इसको हटा देते हैं। बाजू का जो है ये प्रॉब्लम कर रहा होता है, जब हम उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम कर रहा होता है, इसमें इश्यूज आते हैं। नेम टपल इज नॉट डिफाइंड, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेस मोर रिसेंट कॉल, आपके पास ये आपको एरर दे रहा है, आपके पास इन द मॉड्यूल कहेंगे ये टपल है ही नहीं हमारे पास, तो ये आपको एरर यहाँ पे दे रहा है। अगर हम उसको काउंट करना शुरू करें तो ये हो गया, पे ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे टपल नाम कोई चीज मौजूद ही नहीं, उसको प्रिंट क्या करें, क्योंकि ये डिलीट कर चुका है, तो डेफिनेटली ये आपको ये रिजल्ट दे रहा है कि टपल जो है मौजूद ही नहीं है यहाँ पर, सही एरर दे रहा है बिल्कुल, और इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, मैं इसको पहले रन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। चला के देखते हैं रन आएगा तो देखते हैं। जी तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने लेंथ ऑफ टपल बता दी कि कितनी है, जरा उसको काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल टेंथ ऑफ टपल बिल्कुल सही है। कॉन्केटिनेटेड टपल जो हमारे पास कितने हैं, तो लेंथ ऑफ टपल आपने बता दी, लेंथ टपल के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं मौजूद यहाँ पे, उसको टपल कॉन्केटेड टपल प्लस 7 7 8 9 कॉन्केट 7 8 9, तो हमारे पास क्या है कि प्लस साइन कॉन्केट करने का सवाल होता है, तो टपल को और 7 8 9 को कॉन्केट कर दें तो 3 के बाद 7 8 9 लिखा हुआ आएगा हमारे पास। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3, 3 के बाद 7 8 9 लिखा हुआ आ रहा है, फिर हम क्या कॉन्केटेड टपल टपल अंडरस्कोर कॉन्केट, तो टपल अंडरस्कोर कॉन्केट को आपने प्रिंट किया, तो यानी कि ये वाली जो नई वैल्यू थी वो यहाँ पे लिखी हुई आ गई। उसके बाद रिपीटेशन, तो 1 A 2 B मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये 3 दफा ही प्रिंट करें हमारे पास, आपके पास ये 1 A 1 A 2 B 3 times, तो 1 A 2 B 3 times हमारे पास प्रिंट करें, फिर सेट ऑफ टपल, तो रिपीटेशन के अंदर आपके पास आ रहा है यहाँ पे, तो 1 A यहाँ पे देख लीजिए 1 A 2 B 1 A 2 B 1 A 2 B 3 दफा लिखा हुआ आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 लिखते हैं 3 दफा टपल बना देता है। मेंबरशिप चेक के माने कि आपके पास 3 जो है 1 2 3 में मौजूद है या फिर नहीं है, ये 1 2 3 के अंदर 3 मौजूद है, हाँ मौजूद है इसके अंदर, यहाँ पे कह रहा है यस ट्रू, कंपेयरिंग टू टपल्स। अच्छा इसको हमने क्या किया, डबल इक्वल टू साइन लगा दिया, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पहली वाली ट्रू आएगी, दूसरी वाली फॉल्स आएगी, ये सेम वैल्यू मैक्स ऑफ द मैक्स, और 1 से लेकर 10 तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 है, यहां पर 10 दिखा रहा है बिल्कुल सही है। छोटी वैल्यू कौन सी है, आपके पास 1 है, वो बिल्कुल सही दिखा रहा है हमारे पास। जब प्रिंट करवाते हैं लिस्ट 1 2 3 4 कन्वर्ट टू टपल, तो लिस्ट 1 2 3 4 को हम कन्वर्ट टपल में करवा रहे हैं, तो टाइप टपल 1 2 3 4, तो आपके पास क्या है जिसमें कन्वर्ट करना है, आपने लिखा टाइप 1 2 3 4, तो यहाँ क्लास टपल में कन्वर्ट हो गई, तो लिस्ट 1 2 3 4 कन्वर्ट टू टाइप टपल क्लास टपल, इसके अंदर कन्वर्ट हो गई टाइप टपल, और ब्रैकेट में ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है कि लिस्ट है और स्मॉल ब्रैकेट बता रहा है कि टपल है, इसमें कन्वर्ट हो गई। ओके तो ये हमारा लेक्चर था जो हमने फ्राइडे तक थर्सडे तक स्टडी किया था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर जो है अपनी क्लास शुरू करते हैं, और क्लास के अंदर इसके एडवांस टॉपिक पे। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।